हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू M12। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। नया टॉपिक क्या है कि नए टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपके सबको पता है कि CUET के एग्ज़ाम्स बच्चों के आने वाले हैं, और ग्रेजुएशन में जो है आपको करंट अफेयर्स या GK के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी आते हैं, और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम करंट अफेयर्स को तैयार रखें। तो उसके लिए इस महीने के यानी कि फरवरी 2023 के जो करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में हम आज पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में अधिकारियों को शिकायत अपीलीय समितियों या GAC के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित किया है? यानी कि कौन सी ऐसी केंद्रीय मंत्रालय था, कौन सा ऐसे सेंट्रल मिनिस्ट्री है जिन्होंने हाल ही में अपने अधिकारियों को जिस शिकायत अपीलीय समिति यानी कि ग्रीवेंस अपेलेंट कमिटीज जिसे कहेंगे उनके सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए उनको अधिसूचित किया, यानी कि उनको शॉर्ट लिस्ट किया है। कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्त मामलों के मंत्रालय, या फिर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है ए, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब इसके बारे में आपको यह जानकारी भी दी हुई है, वो भी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शिकायत अपीलीय समितियों यानी कि GAC के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए 9 अधिकारियों को अधिसूचित किया है। केंद्र ने हाल ही में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आधार संहिता नियम 2021, जिसे कि आप शॉर्ट में IT नियम 2021 भी कह सकते हो, उसके आधार पर 3 शिकायत अपील समितियों की स्थापना की है, और ये 3 जो शिकायत समितियां हैं इन सब में 3-3 सदस्य होंगे। तो इनमें से भी अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन बन के अगर आ जाता तो आप उसका जवाब दे सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, निधि आपके निकट किस संस्था का आउटरीच प्रोग्राम है, आउटरीच कार्यक्रम है। आउटरीच कार्यक्रम का मतलब होता है बच्चों कि जहाँ पर जिस प्रोग्राम की पहुँच है, जो वो दूर दूर के जिलों में हो या ऐसे जिलों तक हो जहाँ तक कोई भी सुविधा पहुँच पाना संभव अच्छी तरह ना हो पाता हो। तो निधि आपके निकट, निधि होता है पैसा, ठीक है। तो निधि आपके निकट कौन सी संस्था का आउटरीच प्रोग्राम है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं आपको RBI, IRDI, AFPO या फिर SEBI। तो इसका आंसर है आपका सी, EFPO। EFPO की फुल फॉर्म होती है बच्चों एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। इसने निधि आपके निकट कार्यक्रम के माध्यम से सभी जिलों में एक व्यापक आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हर महीने की 27 तारीख को सभी जिलों तक पहुंचना और संगठन और उसके हितधारकों के बीच, संगठन और उसके हितधारक मतलब EFPO के जो भी हितधारक हैं, उसके जो भी मेंबर हैं, उन सब के बीच के संबंधों को मजबूत बनाने का काम करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस एयरलाइन ने इन फ्लाइट घटनाओं को रियल टाइम रिपोर्टिंग के लिए एक नया सॉफ्टवेयर पेश किया है? मतलब कि इन फ्लाइट जो घटनाएं होती हैं यानी कि प्लेन के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से प्लेन में दुर्घटनाएं होती हैं, या इन प्लेन के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो नहीं पता लग पाता, भाई प्लेन क्रैश हो जाता है तो नहीं पता लग पाता, तो इन फ्लाइट घटनाओं को रियल टाइम रिपोर्टिंग यानी कि तुरंत के तुरंत उसी वक्त जाना जा सके कि हाँ प्लेन में कुछ गड़बड़ हो गई है, उसे जानने के लिए किस एयरलाइंस ने अपना नया सॉफ्टवेयर पेश किया है? तो इसके ऑप्शन क्या है आपके पास? इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट या विस्तारा। तो इसका आंसर है बी, एयर इंडिया। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया, क्योंकि एयर इंडिया अब गवर्नमेंट नहीं है, एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया है, तो टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया है। उसने कहा है कि वो UK मुख्यालय वाले आइडिया जेन के उद्यम क्लाउड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन का क्या नाम है, कोरूजन का उपयोग करेगी, जिसकी वजह से रियल टाइम रिपोर्टिंग में पता लग पाएगा कि इन फ्लाइट अगर कोई घटना ऐसी हो जाती है या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से दुर्घटना होने का चांस रहता है, तो वो पहले से ही पता लग जाएगा। सुरक्षा डेटा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को बढ़ाने में मदद करेगा और इन फ्लाइट घटनाओं की रियल टाइम रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस की थीम क्या है? मतलब कि प्रलय क्या होता है? किसी भी प्रकार की दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना जिसे कहते हैं उसे प्रलय कहते हैं, उसको याद करने का दिवस अंतर्राष्ट्रीय रूप से कौन से दिन के माना गया है? तो इसका आंसर क्या है? 24 जनवरी, 27 जनवरी, 30 जनवरी या 2 फरवरी? तो इसका आंसर है बी, 27 जनवरी। अब
27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाने के लिए एक साथ आता है। इस वर्ष की थीम होम एंड बिलोंगिंग। अब यहाँ पर इन्होंने थीम पूछी थी लेकिन इन्होंने डेट्स दे दी हैं, तो अगर आपसे डेट्स पूछी जाएं तो आप उसको 27 जनवरी बता देंगे, 27 जनवरी बी आपका ऑप्शन है वो बता देंगे, और अगर आपसे थीम पूछी जाती है तो आप बताएंगे ये है आपकी थीम होम एंड बिलोंगिंग, जो हॉलोकॉस्ट पीड़ितों और बचे मानवों की मानवता पर प्रकाश डालता है। हॉलोकॉस्ट जो हिटलर के द्वारा काफ़ी सारे यहूदियों को मारा गया था उसे हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1945 में ऑशविट्स बिरोकेनो और नाजी एकाग्रता और विनाश शिविर की मुक्ति के लिए चुना गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलिगा इकानिनाटा, जिसका नाम सोलिगा समुदाय के नाम पर रखा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है? ये एक प्रजाति है जिसका नाम रखा गया सोलिगा समुदाय के नाम पर, उस वो किस प्रजाति से संबंध रखता है? कछुआ, ततैया, तितली या सांप? तो इसका आंसर है बी, ततैया। कीट वैज्ञानिकों ने कर्नाटक में बिलगिरी रंगन हिल्स के एक स्वदेशी समुदाय सोलिगा के नाम पर ततैया के एक नए जीन्स का नाम रखा है, यानी कि ततैया की एक नई प्रजाति मिली है जिसका नाम रखा गया है सोलिगा समुदाय के नाम पर। सोलिगा जीवन शैली की स्वीकृति और वनों और जैव विविधता के संरक्षण की मान्यता में नए जीन्स को सोलिगा इकारिनाटा नाम दे दिया गया है। तो आप ये नाम सुनेंगे तो आपको पता है कि किसकी प्रजाति है, ततैया की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में किस संस्थान को दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में नॉमिनेट किया गया है? यानी कि 2022 में ऐसा कौन सा एक्सचेंज है, ऐसा कौन सा संस्थान है जिसको सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में माना गया है, मतलब कि जहां पर सबसे बड़े स्तर पर एक्सचेंज होता है। स्टॉक एक्सचेंज आपने नाम सुना होगा, कभी स्टॉक्स वगैरह बिकते हैं या पैसा पैसा सबसे ज़्यादा उछलता और गिरता है। तो इसका ऑप्शन आपको दिए हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेस्डेक और जेंगो कमोडिटी एक्सचेंज। तो इसका आंसर है आपका ए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे NSE भी कहा जाता है, 2022 में कारोबार किए गए अनुबंधों की संख्या में मामले में दुनिया में सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभर कर आया है। ठीक है, फ्यूचर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार ये लगातार चौथा साल है जब एक्सचेंज ने शीर्ष स्थान अर्जित किया, यानी कि सबसे टॉप पर आया है। इसके अलावा एक्सचेंज को 2022 में ट्रेंडों की संख्या के हिसाब से इक्विटी सेगमेंट में तीसरे स्थान पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय 2022 में MSME विक्रेताओं से सामान और सेवाओं का शीर्ष खरीदार है? यानी कि ऐसा कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है जिसने 2022 में MSME विक्रेता, वो होते हैं जो छोटे स्तर पर उद्योग करते हैं, यानी कि लघु उद्योग करता, जो अपने घर में छोटा सा उद्योग चलाते हैं या छोटी सी छोटा सा ऐसा उद्योग बना लेते हैं जिसमें कि आपने कभी भी सुना होगा लघु उद्योग होते हैं या अति लघु उद्योग होते हैं, जैसे जूट के टोकरियों का काम शुरू हो गया। तो छोटे स्तर पर जब कोई कारखाना या वगैरह कुछ ऐसा कुछ होता है जिसमें उद्योग चलाते हैं प्रॉपरली, तो उसको MSME बोला जाता है। उन विक्रेताओं से सबसे ज्यादा सामान और सेवाएं खरीदने का कौन सा केंद्रीय मंत्रालय को श्रेय जाता है? तो इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रक्षा मंत्रालय। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रक्षा मंत्रालय कैलेंडर वर्ष 2022 में MSME विक्रेताओं से सामान और सेवाओं की खरीद करने वाला शीर्ष मंत्रालय यानी कि टॉप मंत्रालय था। इसकी घोषणा सरकार के सार्वजनिक खरीद ई कॉमर्स मार्केटप्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस यानी कि जैम जिसे बोलते हैं हम, उसके द्वारा की गई थी। मंत्रालय ने पोर्टल से 2022 में 16,747 करोड़ रुपए के उत्पाद और सेवाएं खरीदी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में पहली बार एविएशन गैसोलीन का निर्यात शुरू किया है? एविएशन गैसोलीन का मतलब है कि गैसोलीन जो आपकी पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोलियम होता है, पेट्रोल होता है, इसको एविएशन के द्वारा यानी कि हवा में ही निर्यात किया जाए, हवा के द्वारा निर्यात किया जाए यानी कि प्लेन के द्वारा। तो इसका ऑप्शन आपको दिए हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम तेल और प्राकृतिक गैस निगम या फिर भारत पेट्रोलियम। तो इसका आंसर है आपका ए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एविएशन गैसोलीन का निर्यात शुरू कर दिया जिसका उपयोग मानव रहित हवाई वाहनों और छोटे विमानों को संचालित करने के लिए किया जाता है। देश के इतिहास में पहली बार भारत ईंधन का निर्यात कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से एवी गैस 100 LL नाम की 80 बैरल एविएशन गैस की पहली खेप पापुआ न्यू गिनी के लिए भेजी गई थी।
यानी कि हिंदुस्तान अपने पास से जो पेट्रोलियम है, जो पेट्रोल है, इस प्रकार का ईंधन है, गैसोलीन है, ये हवा के द्वारा निर्यात कर रहा है, यानी कि बाय प्लेन दूसरे देशों में भेजा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोक सेवा प्रसारण के दायित्व पर किस केंद्रीय मंत्रालय ने परामर्श जारी किया था? यानी कि लोक सेवा प्रसारण जो कि आपकी पब्लिक सर्विस होती है, उसकी जिम्मेदारी पर कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने अपना परामर्श दिया है? सूचना प्रसारण मंत्रालय, संचार मंत्रालय, गृह मंत्रालय या आवास और शहरी विकास मामलों के मंत्रालय? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इससे पहले निजी प्रसारकों को प्रतिदिन 30 मिनट के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारण करने के लिए कहा गया था। इससे पहले क्या होता था कि जो प्राइवेट प्राइवेट प्रसारण प्रसारक होते थे, यानी कि जो शो करने वाले हैं, जो एड्रेस रेडियो एफएम पे आप सुनते हो प्रसारक करने वाले, तो वो 30 मिनट का प्राइवेट लोगों से करवाया जाता था, लेकिन अब सार्वजनिक सेवा प्रसारण के लिए परामर्श दिया गया है। उस परामर्श के अनुसार प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों में सन्निहित प्रासंगिक सामग्री को लोक सेवा प्रसारण के लिए लेखाबद्ध किया जाएगा। मतलब इसमें लोगों के फायदे से जुड़ी, यानी कि लोक सेवा प्रसारण से जुड़ी हुई चीजों को प्रसारित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के ने राज्य सरकार के विभागों में भर्ती के लिए 1 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य कर दिया? मतलब कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कि कहा है कि अगर आप राज्य सरकार में काम करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 1 साल का अनुभव, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? उड़ीसा, गुजरात, गोवा या उत्तराखंड? तो इसका आंसर है गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि राज्य सरकार के विभागों में भर्ती के लिए 1 साल का कार्य अनुभव जरूरी होगा, कंपलसरी होगा, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस अभ्यास से सरकार को कुशल जनशक्ति प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से कला और संस्कृति निदेशालय द्वारा आयोजित हर घर ध्यान का भी शुभारंभ किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, जनवरी में लापता हुए रेडियो एक्टिव कैप्सूल को किस देश ने ढूंढ निकाला है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रूस या यूक्रेन? इसमें कहा है कि जनवरी में एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल गायब हो गया था। रेडियो एक्टिव कैप्सूल, आपको पता है कि रेडियो एक्टिव जो गैस होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, तो ऐसा एक कैप्सूल अगर खो जाए तो कितनी परेशानी की बात हो जाएगी। तो वो जो कैप्सूल खो गया था वो किस देश ने ढूंढ कर निकाला है? इसका आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में अधिकारियों ने घोषणा की है कि उन्हें एक छोटा रेडियोधर्मी कैप्सूल मिला है जो पिछले महीने गायब हो गया था। कैप्सूल तब मिला जब विशेषज्ञ उपकरणों से लैस एक वाहन ने विकिरण का पता लगाया। राज्य भर में 1400 किलोमीटर मार्ग के साथ ले जाने के दौरान वस्तु जो है खो गई थी। इसमें थोड़ी मात्रा में सीजियम-137 होता है जो त्वचा को नुकसान, जलन या विकिरण बीमारी का कारण बना सकता है, क्योंकि जो रेडियोधर्मी गैस होती है वो हमारे लिए बड़ी खतरनाक होती है। अगला क्वेश्चन लें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को हाल ही में किस राज्य के नालंदा में 1200 साल पुरानी मूर्तियां मिली हैं? मतलब कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वो है हमारे देश में जो कि पुरानी पुरानी चीज़ों को खोद कर उनका निकालते हैं, पुरानी जो बहुमूल्य चीज़ें होती हैं उनको स्टडी करते हैं, उनके बारे में एनालिसिस करते हैं और उसके बाद पता लगाते हैं कि पुराने ज़माने में क्या चीज़ें हुआ करती थी। जैसे हड़प्पा संस्कृति के बारे में बर्तन वगैरह आपको मिले थे, आपने पढ़े अपनी क्लासेज में, तो वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। तो उन लोगों ने नालंदा में 1200 साल पुरानी मूर्तियां निकाली हैं, पर कौन से राज्य में निकाली हैं? बिहार, गुजरात, पंजाब या राजस्थान? तो इसका आंसर है आपका बिहार में निकाली है उन्होंने, या इन्होंने आपको डिटेल दे दी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को हाल ही में बिहार के नालंदा में 1200 साल पुरानी मूर्तियां मिली हैं। वो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पास एक जलाशय में एक तालाब की गाद निकालने के दौरान मिलते हैं, यानी कि तालाब में से जब गंदगी निकाल रहे थे, नीचे जो मिट्टी जमी हुई होती है वो निकाल रहे थे, तब उनको ये मूर्तियां मिल गईं। नालंदा महाविहार इस स्थान से लगभग 88 किलोमीटर दूर एक विश्व विरासत स्थल है। पानी और पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए शुरू की गई बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली परियोजना के तहत मूर्तियां रिसिल्टिंग के दौरान मिली हैं। वही जो यहाँ पर ये गाद निकाल रहे थे तालाब में से, तब इनको वो मूर्तियां मिल गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान खाद्य मूल्य सूचकांक जारी करता है जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक व्यापार वाली खाद्य वस्तुओं को ट्रैक करता है? मतलब कि खाद्य मूल्य सूचकांक जारी करना जिसके दौरान पता लगाया जाता है कि सबसे अधिक व्यापार वाली खाद्य वस्तु कौन सी, यानी कि सबसे ज्यादा बिकने वाली, सबसे ज्यादा चलने वाली खाद्य वस्तु कौन सी चल रही है इस वक्त? तो ये इस चीज को ट्रैक कौन करता है, इस चीज का पता कौन लगाता है? विश्व बैंक, FAO, विश्व आर्थिक मंच या फिर नीति आयोग? तो इसका आंसर क्या है, बी, FAO। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी, खाद्य और कृषि संगठन। FAO की फुल फॉर्म क्या है? खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
उसका मूल्य सूचकांक विश्व स्तर पर सबसे अधिक खाद्य व्यापार वाली खाद्य वस्तुओं को ट्रैक करता है। हाल ही में एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक के अनुसार जनवरी एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक में दर्ज की गई विश्व खाद्य कीमतों की 10वें महीने में गिरावट आई है। दिसंबर के 132.4 के मुकाबले जनवरी में सूचकांक का औसत जो है वो 131.2 अंक रहा। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रही बाइंड योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? रक्षा मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या बिजली मंत्रालय? तो इसका आंसर है बच्चों सही है सी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। 1200 करोड़ रुपए में से 600 करोड़ रुपए हाल ही में घोषित ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं नेटवर्क डेवलपमेंट योजना के लिए अलग रख दिया गया है। इस योजना का कुल परिव्यय यानी कुल खर्चा जो है वो 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस योजना का उद्देश्य देश में सार्वजनिक क्षेत्र को प्रसारण को बढ़ावा देना है और अखिल भारतीय रेडियो जो AIRFM आप सुनते हो वो और दूरदर्शन सहित भारत के बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने से रखता है। अगला क्वेश्चन पढ़े, किस संस्था ने जलवायु जोखिम और स्थायी वित्त पर नियामक उपाय जारी किए हैं? यानी कि कौन सी ऐसी संस्था है जिसने कि जलवायु के प्रति जो खतरा फैल रहा है, जलवायु के प्रति जो खतरा हो रहा है हमारे वातावरण में वो, और स्थायी वित्त यानी कि पैसे को किस तरह से स्थायी उसका आवागमन किया जा सके उसके लिए नियामक उपाय किसने जारी किए हैं? नीति आयोग ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने या फिर वित्त मंत्रालय ने? तो इसका आंसर है बच्चों बी, भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जलवायु जोखिम और स्थायी वित्त पर नियामकों उपायों की घोषणा की है। नए दिशा निर्देश ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करने, जलवायु संकट से जुड़े वित्तीय जोखिमों पर एक प्रकटीकरण ढांचे और जलवायु परिदृश्य विश्लेषण और तनाव परीक्षण के लिए दिशा निर्देशों पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2023 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस का मेजबान रहेगा? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस जो होगा उसके लिए होस्टिंग कौन करेगा, यानी कि कौन मेजबान बनेगा? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। कनाडा में 5वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस के विशेषज्ञों ने समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की सिफारिश की है। समुद्री संरक्षित क्षेत्र समुद्र में ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां मानव गतिविधियों को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब कि किस तरह से कौन से जहाज जाएंगे, कौन से जहाज आएंगे, किस तरह मानव की गतिविधियाँ होंगी उसको सरकार नियंत्रित करती है। ये संरक्षित क्षेत्र प्रदूषण, कचरा, अत्यधिक मछली पकड़ने, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को हल करने के लिए स्थापित किए गए हैं। मतलब कि यहाँ पर इन क्षेत्रों में, ये जो जलीय क्षेत्र हैं यहाँ पर कचरा ना फैलाया जाए, कूड़ा ना फैलाया जाए, अत्यधिक मछली ना पकड़ी जाए ताकि उनका जो जलीय जो एटमॉस्फेयर है, इकोसिस्टम है वो ख़त्म ना हो जाए, इसके पर नज़र रखने के लिए वहाँ पर सरकार द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 22 के लिए भारत के किस पड़ोसी देश का GDP विकास दर 7.10% दर्ज किया गया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल? तो इसका आंसर है बी, बांग्लादेश। कैसे? बांग्लादेश ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए 7.10% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर दर्ज की है, जो वित्त वर्ष 2021 में 6.94% और वित्त वर्ष 2020 में 3.45% की वृद्धि को दर्शाता है। बांग्लादेश सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश की 2793 अमेरिकी डॉलर है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा यानी कि 51.48% है। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, अगले नेक्स्ट और भी ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे वो हमसे अगले वीडियो में मिलेंगे। आप अगले वीडियो के लिए ज़रूर हमारे पास आइएगा, हम आपके लिए और बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हमारे पास हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो वो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए